सांस लो, लंबी सांस लो। अरे भाई कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं, जैकेट है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को स्टोरीज से पता चल गया होगा कि हम हैं ऋषिकेश में, फर्स्ट डे है और कल हम लोग का ट्रेन था 6 बजे, 6:30, 7 बजे तेजस पटना से दिल्ली के लिए। और दिल्ली से हम लोग ने एक इनोवा बुक किया था, फिर वहां से यहां आए हैं ऋषिकेश, जो कि करीब 4 से 5 घंटा लगा। और पहले तो अभी आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा दे जिस होटल में है, फिर होटल दिखा देंगे। ये है भाई होटल के ऊपर से व्यू, छत पे आए हुए हैं अभी। और ये है स्विमिंग पूल इस होटल के टॉप फ्लोर पे, मतलब सबसे ऊपर। तो हम दोपहर में यहाँ पे नहाने वाले हैं, डुबकी मारने वाले हैं। बाकी बात एक चीज़ आप लोगों को दिखेगा, वो है देखो हर जगह योगा चल रहा है यहाँ पे, और इधर भी हमारे भी होटल में योगा चल रहा है। सो भाई ये है हमारा होटल, और थोड़ा सा कपड़ा से बिखरा हुआ है, बाकी बात चेक कर लो एक बार। ये है बाहर का व्यू, यहाँ पे बालकनी नहीं है। इस होटल का नाम है आरोग्य धाम। ये होटल जो है वो हम लोग ने ऑनलाइन बुक किया था, तो हम लोग को शायद 6000 का पड़ा था। अगर आप यहाँ आके या बुक करोगे या फिर ऑफलाइन बुक करोगे तो शायद आपको थोड़ा कम पड़ जाए। सो ये है अपडेट। सो भाई अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हुए हैं, और ब्रेकफास्ट जो है वो होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। इधर से तो भाइयों अभी हम लोग जा रहे हैं रामझूला के लिए, और जो हमारा होटल है वहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस लगा तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। बाकी बात अभी बेस्ट टाइम होता है शाम के टाइम यहाँ पे रामझूला विज़िट करने के लिए, शाम नहीं तो सुबह, क्योंकि दोपहर में थोड़ा गर्मी होता है। बाकी बात ज़्यादातर हमको यहाँ पर फॉरनर लोग ही दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा फॉरनर लोग यहाँ पर। और एक और चीज़ है यहाँ पे बेस्ट कि आप अपना स्कूटी वगैरह जो भी है वो रेंट कर सकते हैं और घूम सकते हैं, ये चीज़ काफ़ी बेस्ट लगा। तो कभी अगर हम दोस्त लोग के साथ आएंगे तो एक स्कूटी रेंट करके जितना यहाँ पे नीलकंठ या फिर अगल बगल जितना विजिट करने का एरिया है वो हम करने वाले हैं। बाकी ये है रामझूला भाई, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू के साथ कैप्चर हो रहा है। लास्ट टाइम जब आए थे तो दोपहर का टाइम था, बहुत भयंकर भीड़ था, मतलब यहाँ से क्रॉस होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट अभी काफ़ी सही है, ज़्यादा लोग नहीं है। बाकी बात इधर का व्यू चेक कर लो, काफ़ी सही लग रहा है भाई। और ये एक थोड़ा सा डेंजरस भी साबित होता है क्योंकि ये हिलते रहता है। अभी आरती हो रहा है लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पर है, देखते हैं अगर जा पाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि जो टीवी में आप लोग आरती देखते हैं वो वहीं पे होता है, ये देख लो। बाकी बात वो भी एक झूला है, ये शायद ये राम झूला, वो लक्ष्मण झूला। इस साइड आने के बाद आपको मार्केट दिख जाएगा यहाँ पे, लोकल मार्केट, जहाँ से आप सामान वगैरह जो भी है वो टी शर्ट वगैरह या फिर ये सब देख सकते हो, ये सब खरीद सकते हो। और ये सांड समझ लो अगर पगला गया तो क्या करेगा, फटाफट जल्दी निकलो। तो भाई ट्राई कर रहे हैं कुल्फी, परफेक्ट मौसम है कुल्फी खाने का। बहुत ज़बरदस्त। सो भाई जब से जिम में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब 2.5 साल से देख लो, तब से हम ट्रैवलिंग बहुत कम कर दिया। मतलब 2.5 साल पहले लॉकडाउन के पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे, मतलब नहीं भी तो साल में 3-4 जगह ट्रैवल कर जाते थे, बट जिम के कारण हम बहुत ये सब चीज़ से दूर होते चले गए। बट अभी जाके हमको समझ में आता है कि भाई कभी कभार ज़रूरी है ये सब भी, ट्रैवल करना, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना। जैसे अभी आए इधर, हमको ऐसा लगता था कि मेरा डाइट ख़त्म हो जाएगा, मेरा जिम में गेंद चला जाएगा जो अभी हम गेंद के, बट ऐसा नहीं होता है भाई। तुम 2.5 साल से मेहनत कर रहे हो तो 6 दिन नहीं तुम्हारा डाइट लोगे या फिर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो गेंद चला नहीं जाएगा।
जबकि तुम एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, अगला जो मेरा 6 दिन के बाद जब हम जिम स्टार्ट करेंगे तो वो होगा। सो मेरा यही कहने का मकसद मतलब है कि भाई एक्सप्लोर करो दुनिया। भाई एक ये कुत्ता है, देखो देखो सही कुत्ता है, एगो सत्यम का कुत्ता था, एगो सत्यम का कुत्ता था, सारी फोड़ दिया मैंने। ये सब कुत्ता ठीक है, फ्रेंडली कुत्ता है। तो भाई एक बार यहाँ का व्यू चेक कर लो, और जो पानी का आवाज़ आ रहा है ना, इतना मतलब हो जाओगे अगर इस जगह पे इस टाइम पे आओगे तो, बहुत ही पीस है भाई। रुको चेक करवा दे रहे हैं, ये देखो यहाँ का व्यू चेक करो, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये है जानकी सेतु, उस साइड हम लोग को जाना है ताकि हम लोग को ई रिक्शा वगैरह मिल सके। सो कल हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग स्कूटी लेने वाले हैं और स्कूटी से घूमेंगे, क्योंकि गाड़ी में भाई मज़ा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, जब तक फील नहीं करेंगे वो हवा। नेक्स्ट डे तो निकल रहे हैं नीलकंठ के लिए, और यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा रामझूला के पास, वहाँ से मिलेगा कैब या देखते हैं क्या मिलेगा, तो उसी हिसाब से अपडेट देते रहेंगे। बाकी बात ब्रेकफास्ट हो गया और अभी हम निकल रहे हैं, और अभी मेरा एक बार आउटफिट चेक कर लो। और ये है मेरा आउटफिट भाई, हमको कहीं भी जाओ हमको बहुत लूज़ कपड़ा काफ़ी सही लगता है। मतलब हम तो ऐसे जीन्स भी नहीं पहन रहे थे, बट दो ट्राउज़र लेके आए थे ट्रैक पैंट, वो दोनों एक हम गलती से भिगा दिए, गीला हो चुका है। बहुत लूज़ सही लगता है भाई। सबसे बेस्ट है अगर कोई दोस्त लोग आ रहा है तो एक स्कूटी ले ले रेंट और घूमते रहो, है ना, वो बेस्ट हो जाएगा फैमिली के साथ। लेकिन आपको गाड़ी रिजर्व करना पड़ेगा फैमिली के साथ। बाकी बात यहाँ पे घूमने का, अगर स्कूटी यहाँ पे ऋषिकेश में रेंट ले रहे हो तो फिर तुम्हारे पास 2-3 जगह है घूमने के लिए, घूम सकते हो 24 घंटे। 24 घंटे के लिए आपको स्कूटी मिल जाएगा 500 रुपये रेंट, और आपका तेल खुद से ही भरवाना पड़ेगा। 500 रुपये का तेल 1000 रुपये में आपको मतलब 24 घंटे के लिए मिल जाएगा स्कूटी। नील बोटो भूल जा सकते हो, सिंगल बोटो भूल जा सकते हो, त्रिवेणी घाट घूम सकते हो, गीता भवन परमात्मा स्वर का आश्रम सभी इधर ही है, स्कूटी से आराम से घूम सकते हो। और यहाँ पे कहीं विस्की वगैरह वाइन शॉप नहीं है, वाइन शॉप है यहीं रामझूला के पास ही बोल रखे हैं। रामझूला के पास ही यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हट जाए 1800। अच्छा, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे वाइन शॉप एक ही है। क्यों यहाँ ऐसा, क्यों मतलब पूजा पाठ का जगह है? पूजा पाठ का नहीं, दारू तो बहुत मिलती है। अच्छा, मतलब से मिलती है। होली के टाइम में तो यहाँ पे सब भांग वांग पी के एकदम मस्त रहता होगा। होली का यहाँ पे लग रहा है कि फेवरेट होगा यहाँ का, यहाँ के लोगों का फेवरेट। यहाँ तपोवन में अंग्रेज लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं होली। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं नीलकंठ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से हम लोग ने टैक्सी बुक किया था जिसका अराउंड 2500 से 3000 लगा था। प्राइवेट गाड़ी आप लोग ले जा सकते हैं, बट सेडान टाइप का वहाँ से यहाँ लाना अलाउ नहीं है, मतलब वो बुक करोगे तो जीप टाइप का मिलेगा, लेकिन सेडान टाइप का नहीं। यहाँ से एक बार व्यू चेक कर लो, ये देख लो व्यू, पहाड़ और मौसम बहुत ठंडा है। ये है नीलकंठ मंदिर के बाहर का वो मार्केट, जहाँ से आपको वो फूल वूल वगैरह दिया जाएगा। तो भाई दर्शन हो गया, यहाँ पे एक होटल है भाई, एग्जैक्टली 2 साल पहले यहीं पे आए थे और यहीं पे लंच किए थे। उस टाइम बादल था, इस टाइम व्यू देखो भाई। और अभी हम लोग आ चुके हैं लंच करने के लिए, और यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे विकास वालों के साथ तो यहीं पे स्टे किए थे, मंदिर के थोड़ी देर पहले। ये होटल है, नाम पता नहीं। एक लास्ट टाइम का कहानी सुना रहे हैं भाई, जब हम और विकास भैया के दोस्त आए थे तो हम लोग नीलकंठ मंदिर के भी ऊपर 5 किलोमीटर वॉक करके गए थे, पहाड़ चढ़ना था। तो आने टाइम एक जगह पे रुके थे और वहाँ पे
पकौड़ा खाए थे, पहले नॉर्मल वाला पकौड़ा खाए थे, उसके बाद भांग वाला पकौड़ा। हमको पता था भांग का साइड इफेक्ट, इसलिए हम आधा खाए थे, मतलब एक का आधा। बाकी बात विकास भैया को पता नहीं था, ठीक है, वो 5-7 खा लिया। उसके बाद मतलब उस टाइम तो कोई इफेक्ट नहीं पता चला, लेकिन जब नीचे उतरने लगे हम लोग तो आधे घंटे के बाद इफेक्ट पता चलने लग गया। इफेक्ट ऐसा पता चला कि भाई हमको डर लगने लग गया, वैसा भयंकर डर आज तक ज़िंदगी में नहीं लगा हमको। एकदम स्पीड स्पीड में वो उतरने लग गए सीढ़ी से, एक रेस्टोरेंट में बैठे और मेन्यू में पढ़ने लग गए। चावल 50 रुपये, दाल भाई मेरा हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि एक हम ही थे जो होश में थे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को नीलकंठ से हम लोग को राजगीर नीचे वाला भी जाना था 20 किलोमीटर। कैसे कैसे गए भाई वो लोग, पूरा वो मीटिंग कर रहा है, वो डर लग रहा था। उस ऐसा डर बताया ना भाई कि लोग को कोई होश ही नहीं था, बस होश में थे। तो हम तो ये कहानी है कि ऊपर जाओगे तो हो सके भांग वांग वाला ये सब चीज़ से बच के रहना भाई, जो पहली बार पी खा रहा होगा या पी रहा होगा। तो भाई अभी हम लोग हैं नीर वाटरफॉल पे, और यहाँ से नीचे से हम लोग को चढ़ के ऊपर जाना है। थोड़ा सा एडवेंचरस है रास्ता बाकी बार, लेकिन मज़ेदार है। ये देखो थोड़ा एडवेंचरस है, अभी तो रास्ता आ गया पहले खराब। चलो ये ऊपर तक चढ़। नेक्स्ट डे सो भाई इस होटल से चेकआउट कर रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। और कल ऐसा कुछ मतलब वो नीलकंठ के बाद एक वाटरफॉल जो गए थे तो वही थोड़ा बहुत घूमे थे, उसके बाद फिर वो राम झूला आके थोड़ा बहुत शॉपिंग किए थे, और तो कुछ ऐसा कल खास किए नहीं थे। होटल आके फिर सो गए थे। बाकी बात अभी जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, और जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे। और बाकी बात आज ही जा रहे हैं हम लोग मसूरी के लिए, तो देखते हैं क्या क्या होता है। सो भाई अभी जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए, थोड़ा सा डर लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो जैकेट पहना दिया गया है सेफ्टी के लिए, और इधर का नज़ारा। ये टोटल 16 किलोमीटर का ये है हम लोग। A few moments later. Relax, hold the rope, relax, relax. Okay. Relax, bro, relax. अरे, relax. घबराओ नहीं, don't panic. आराम से आराम. घबराओ नहीं, रस्सी hold करो, relax. सांस लो, लंबी सांस लो. अरे भाई, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं. Jacket है ना, कोई दिक्कत नहीं है. सुनो, सुनो मेरी बात सुनो. रस्सी को loose पकड़ो, इसको loose पकड़ो. Elbow straight कर दो ऐसे, रस्सी पकड़ के elbow. चला, fast करो, fast करो. सो गाइज राफ्टिंग हो गया, अभी हम लोग पूरा गीला हो चुके हैं, और जब बहुत ही ज़बरदस्त राफ्टिंग रहा, लाइफ में पहली बार हम पानी का सामना किए हैं। और स्टार्टिंग में हमको पानी में डुबा दिया गया, मेरा हालत ख़राब हो गया भाई, मतलब पानी से ही हमको डर लगता है। क्या कर रहा था हम लोग के साथ? और भाई यहाँ पे जो राफ्टिंग होता है सबका अलग अलग रेट है, सब जगह जाओगे अलग अलग रेट है। हम लोग का 520 एक पर्सन का लिया था, और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा। देखो पूरा गीला हो चुका है, और अभी आए हैं चेंज करने के लिए, और ज़बरदस्त है भाई, एक बार करना चाहिए। इसमें 3 टाइप का चीज़ मिलेगा, मतलब एक 9 किलोमीटर है, एक 12 किलोमीटर, एक 16 किलोमीटर है, एक 30, एक 32 किलोमीटर। और अभी वापस होटल आए हैं, चेंज वेंज करेंगे, फिर निकले हैं मसूरी के लिए। सो भाई ये है हमारा मसूरी का स्टे, ये हाउस स्टे है, और ये है घुसते ही तुमको दिखेगा सबसे पहले ये नहाने के लिए है वॉशरूम, और ये यहाँ पे किचन दिया गया है।
और ऑलरेडी यहाँ पे सामान है ये सब। बाकी बात आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, वो आ जाएगा देने के लिए। फिल्टर है, प्लेट, कॉफ़ी, जो भी है खाना बनाने का चीज़। और इसके बाद हमारा बेडरूम है, यहाँ पे भी एक वॉशरूम है छोटा सा। बाकी बात इधर वॉर्डरोब वगैरह है, यस मिरर। और ये है दूसरा रूम, यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, इधर से बालकनी भी है। और यहाँ पे एक और वॉशरूम है छोटा सा। और ये आप जो दिखाएंगे वो होगा ज़बरदस्त। यहाँ से देखो भाई व्यू, यहाँ से व्यू देखो होटल। और इस होटल का नाम है कासा इराम, जो कि मॉल रोड से करीब 20 मिनट वॉकिंग है, यहाँ पे 20 मिनट पहले है मतलब। बाकी बात काफ़ी ज़बरदस्त है भाई यहाँ का वाइब, मतलब ऊपर से ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी शांति है। हालांकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, बट यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि फेस्टिवल के टाइम भी लोग बहुत आया हुआ है विज़िट करने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हर हर स्टेट से भाई घूमने आया हुआ है, देखो यूपी, उधर पंजाब से आया हुआ था, चंडीगढ़, हर जगह, हर स्टेट से। यहाँ पे ठंड के टाइम में तो पक्का स्नोफॉल होता ही होगा, क्योंकि अभी मार्च का टाइम है, मार्च ही इंडोर है, तो भाई ठंड है, स्वेटर पहनना पड़ रहा है, तो उस टाइम तो ठंड का टाइम, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में काफ़ी ठंड होता होगा यहाँ पे। और अभी चलेंगे फिर मॉल रोड, वहाँ भी दिखाएंगे आप लोग को, चलिए बने रहिए। क्या व्यू है भाई, होली का टाइम है इसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश, ट्रैफिक, ज़्यादातर लोग यहाँ पे दिल्ली से जितना क्लोज है वो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये देखो ट्रैफिक सारा जाम हो रखा है। अगर किसी को इंक्लाइन में चलने का आदत नहीं है ना भाई, जो हमारे स्टेट से आते हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाला है यहाँ पे आने में, क्योंकि इंक्लाइन पे चलना बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, मेरा ही सांस फूलने लग गया चलते चलते। और इधर का ट्रैफिक देखो, क्योंकि होली के टाइम हो रहा है तो सारा लोग आजकल घूमने ही यहाँ निकल जा रहा है। So. ये है हमारा आज का डिनर, देखो गाइस बंदर यहाँ पे हम लोग चना ले गया और ठीक हुआ ये नहीं ले गया। सो गाइस बाकी जो रिकॉर्डिंग्स है मसूरी का वो आपको मेरे मिनी ब्लॉग में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा और ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाएं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।